हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 12 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 1 और अध्याय का नाम है जीवों में जनन। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का आज आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। मैंने क्लास 12th का लेसन 1 से लेकर लेसन 12th तक का 16th तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना दिया है। आप ऊपर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अध्ययन करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 1। पहला प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? यानी आपको बताना है कि जो जीव होते हैं वो जनन करते हैं, लेकिन आखिर वो जनन क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है? चलिए आंसर जानते हैं। जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इसे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। यानी जनन से फायदा क्या है कि जो जीवों की निरंतरता है, लगातार उनके बच्चे होते हैं जिससे उनकी उत्तरजीविता बनी रहती है। प्राकृतिक मृत्यु के कारण होने वाले जीव आवास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। अब प्राकृतिक किसी जीव की प्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, ठीक है, किसी भी जीव की प्राकृतिक मृत्यु हो गई हो तो, या फिर किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई हो तो उसको उसकी फिर जाति आय कैसे बढ़ती है? तो जनन के द्वारा ही बढ़ती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिससे लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। इन समस्त कारकों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आप जानें कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य क्यों है। अब है प्रश्न संख्या 2। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? अब आपको पता है जनन की दो विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन अच्छा है, लैंगिक जनन अच्छा है कि अलैंगिक जनन अच्छा है। ठीक है, तो देखिए, प्रायः लैंगिक जनन को श्रेष्ठ विधि माना गया है। किसको? तो हम लोग लैंगिक जनन को श्रेष्ठ विधि मानते हैं। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान गुण सूत्रों की अदला बदली होती है। आप पढ़े होंगे कि जब लैंगिक जनन होता है तो युग्मक बनते हैं ना, उस समय गुण सूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युग्मकों यानी गैमेट्स में नए लक्षण विकसित हो जाते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। ठीक है, जैव विकास में कैसे सहायक होगा? तो लैंगिक जनन के माध्यम से नए नए गुणों वाले जीव बनते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन द्वारा जीव के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि अनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। ठीक है, अच्छी विधि कौन सी है? लैंगिक जनन। क्यों? उसका भी कारण आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 3। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्लोन को एक और हिंदी नाम होता है एक पुंजक। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? संतति मतलब उसके जो पुत्र होंगे, उसके जो आने वाले बच्चे होंगे, उनकी बात हो रही है। तो उत्तर देखिए, अकारकीय व अनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, वैसे जीव जो क्या हो, अकारकीय रूप से तथा अनुवांशिक रूप से, यानी उनकी बनावट ऊपर से भी सेम हो और अंदर से भी सेम हो, उन्हें क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक व अकारकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होते हैं, अतः इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? आपको बताना है कि लैंगिक जनन से जो संततियां बनती हैं उनके जीने के हमेशा अच्छे अवसर होते हैं, मतलब ज्यादा चांस होता है कि वो जी जाएंगे। और ये भी बताना है क्या यह हमेशा सही होता है कि नहीं होता। तो देखिए, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो
जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अब देखिए, जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, कैसी विभिन्नताएं? तो अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है, जो जीव होता है वो अपने पूर्वजों से यानी अपने माता पिता से, अपने जनक से अच्छा हो जाता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अक्षर अवसर होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो लैंगिक जनन होता है उसके कारण जीवों की जो संततियां होती हैं उनके जीवित रहने के अच्छे अवसर हो जाते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता। जनकों के रोग ग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह कारण सही है कि लैंगिक जनन के कारण जो जीव होते हैं उनकी उत्तरजीविता अधिक होती है, यानी उनके जीवित रहने के अच्छे चांस होते हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कुछ जीव होते हैं अगर बीमार माता पिता हैं तो वे जीव भी बीमार ही हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो आप अगर पहले के चारों क्वेश्चन अच्छे से देखे हैं तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है, यानी वो अनुवांशिक रूप से और अकार्य रूप से दोनों रूप से समान होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के माध्यम विभेद स्थापित करें। कायिक कोशिकी जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है, और फिर बताना है कि जो कायिक जनन होता है उसको एक तरह से अलैंगिक जनन ही क्यों माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है, इधर है अलैंगिक जनन और इधर है लैंगिक जनन। ठीक है, तो आप अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों का अंतर देखें। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक जनक भाग लेता है। कितना? सिर्फ एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनक में दो जनक भाग लेते हैं, यानी एक नर होता है दूसरी मादा होती है। इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन का अभाव होता है, यानी इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन होता ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है व निषेचन भी होता है। तीसरा है, यह जनक की कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, और लैंगिक जनन किसमें होता है? तो जनक की कायिक कोशिका में होता है, जबकि इसमें क्या होता है, यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार से विभाजन होता है। आप जानते होंगे कोशिका विभाजन दो तरह से होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। ये भी पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है, गुण सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में उतनी ही रहती है, वो आधी नहीं होती है। चलिए अगला अंतर देखिए, यह सरल व तीव्र गति से जन्म होने वाला जनन है, यानी जो अलैंगिक जनन होता है ना वो बहुत तीव्र होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया में मात्र 20 मिनट में जन्म हो जाता है। ठीक है, 20 मिनट के अंदर नए जीव बन जाते हैं, जबकि जिनमें लैंगिक जनन होता है, जैसे आप मानव देख सकते हैं, गाय भैंस कुत्ता ये सब जितने जीव होते हैं, बड़े जीव हैं, उनमें क्या होता है, तो लैंगिक जो जनन होता है बहुत जटिल होता है और धीमे होता है, इनमें महीनों सालों लग जाते हैं। प्रश्न और छठा अंतर क्या है, इसके द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से जनक से अलग होता है। ठीक है, तो ये मेन अंतर था, और ये आधा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो देखिए, कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसे एक जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक व अकार के रूप से जनक के समान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक और अलैंगिक जनन है। क्यों कहें? क्योंकि कायिक जनन में भी क्या होता है, केवल कायिक कोशिका ही भाग लेता है, केवल कायिक जो भाग होता है वही हिस्सा लेता है, साथ ही इसमें एक ही जनक भाग लेता है। लैंगिक जनक में तो दो जनक होने चाहिए, एक माता और पिता या एक नर और मादा, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कायिक जनन भी एक प्रारूपिक अलैंगिक जनन ही है।
प्रश्न संख्या 7 है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उदाहरण उपयुक्त उदाहरण दो। तो आपको बताना है कि कायिक जनन सॉरी कायिक प्रवर्धन क्या है और उसका दो उदाहरण देना है। देखिए, कायिक प्रवर्धन जनक की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे विकसित हो जाते हैं। मातृ पौधे कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो आप सीधी सी बात जानिए, जो कायिक जनन है ना या कायिक प्रवर्धन है वह क्या होता है? तो पौधे के किसी वृद्धि भाग से यानी बढ़ने वाले अंग कौन होते हैं? जड़, तना, पत्ती हो सकता है, कलिकाएं हो सकती है। कलिकाएं क्या होती है? तो ये मान लीजिए कि पौधा है और ये पूरा अपना बड़ा पौधा है, इसमें जो बीच में जहाँ से शाखाएं वो निकलती हैं वहां पे यहाँ पे एक छोटी सी कलिका निकलती है, उसी कलिका की बात हो रही है। तो कलिका के द्वारा नए पौधे विकसित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं कि वह कायिक प्रवर्धन हो रहा है उसके। जैसे एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम के पत्तियों में कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, वैसे ही और उन कलिकाओं से यानी ब्रायोफिलम के पत्ते में जो कलिकाएं होती हैं उनसे जनन हो जाता है। आलू के कंद में उपस्थित पर्ण संधियां यानी नोड्स जिसे आंख भी कहते हैं उसके सहायता से जनन हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्याख्या कीजिए। आपको बताना है किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णावस्था या फिर जीर्णता चरण। तो चलिए ये तीनों जान लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं किशोर चरण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जुवेनाइल फेज। ठीक है, सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं, इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। यानी कोई भी जीव हो वो बचपन से ही लैंगिक जनन नहीं कर सकता, उसके लिए उसको एक उम्र तक वृद्धि करनी पड़ती है, उस वृद्धि के बाद ही वह लैंगिक जनन कर सकता है। इस अवस्था को प्राणियों के किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों के कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि भिन्न जीवों में अलग भिन्न भिन्न होती है। यानी सभी जीवधारी हैं जो परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं, उसके बाद ही वे जनन कर सकते हैं। इसी अवस्था को किशोर चरण या फिर किशोरावस्था या फिर कायिक अवस्था कहते हैं। कायिक अवस्था किसमें कहते हैं? पौधों में, इसी को कायिक अवस्था कहते हैं। यह कितने दिनों की होती है? तो अलग अलग जीवों में यह अलग अलग समय के लिए होती है। दूसरा है प्रजनक चरण यानी रिप्रोडक्टिव फेज किसे कहते हैं? किशोरा अवस्था अथवा कायिक अवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनक प्रवस्था प्रारंभ होती है। देखिए, जब किशोरावस्था या फिर कायिक अवस्था समाप्त होने लगती है तब कौन शुरू होता है? तब शुरू होता है प्रजनक चरण। पौधे इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है, पौधे में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। तब देखिए, आप पौधे को देखिएगा तो इस चरण को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचानिएगा? उसमें पुष्प लगने लगेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वह प्रजनक चरण में आ गया है, क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। वही बात है, प्राणियों में भी अनेक शारीरिक और आकार की परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण से जीव संतति उत्पन्न करने में योग्य हो जाता है। ठीक है, तो जीवों में भी क्या होता है? जीवों में भी अनेक बदलाव होते हैं जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि उनमें क्या हो गया है, प्रजनक चरण शुरू हो गया है। ठीक है, इस अवस्था के ये भी वही बात बोल रहा है कि अलग अलग जीवों में यह अवस्था अलग अलग होती है। और अगला है जीर्णता चरण या फिर जीर्णावस्था। जीवन यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था है। प्रजनक आयु की समाप्ति को जीर्ण चरण या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि कोई भी जीव क्या होता है, जब जन्म होता है तो उसे एक अवधि होता है जब तक वह वृद्धि करता है। ठीक है, उस वृद्धि को कहते हैं किशोर चरण। वृद्धि करने के बाद वह जनन करने में सक्षम हो जाता है, जब जनन करने में सक्षम हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रजनक चरण। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाती है, वही जब जनन क्षमता समाप्त होती है उसे कहते हैं जीर्णतावस्था या फिर जीर्णता चरण, वही यहाँ पे लिखा गया। इस चरण में उपापच क्रिया मंद होने लगती है, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा
तथा शरीर के अंत धीरे धीरे अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ लिए हैं कि जब प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी और शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो उसी को कहते हैं जीर्णता अवस्था या फिर जीर्णता चरण। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो यहाँ पे शेष क्वेश्चन रखते हैं उसको मैं पार्ट 2, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें कवर करूँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव है उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।